हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सबका 5 डे 5 व्लॉग चैलेंज में। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज हम? अगोड़ा पागोडा, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से आपको बोट लेनी है अपन को। यस, हम लोग सबसे पहले अंधेरी से हम लोग बोरीवली आए हैं। बोरीवली बोरीवली उतर के से बोरीवली वेस्ट से आपको लेना है ऑटो। ऑटो। ठीक सो है, अगर आप लोग 3 जन हो तो मैं तुमको प्रेफर करूंगी कि मीटर वाला ऑटो ले लो। शेयरिंग वाला है मीटर वाला? मीटर मीटर वाला। तो हम लोग फाइनली ऑटो से उतर के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ से थोड़ा अंदर चल के जाना है, जहाँ से जेटी हमको बोट जेटी मिलेगी। कुछ बोट मिलेगी वहाँ पे, और देखते हैं उसका क्या किराया वराया। ठीक है, बाकी आपको दिखाते हैं सब। ठीक है, ये रास्ता जो सीधा जा रहा है इसी रास्ते से जाना है। थोड़ा लेट हो गए, वो जो बोर्ड देख रहे हो वो छूट गई। लेट नहीं हुए, हाँ, लेट नहीं हुए, उसमें जगह नहीं है तो उसने रोक ही नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा कि उसमें जगह नहीं है या हम लेट दिख हो गए? रहा है आपको यहाँ से? कहाँ दिखता है? जगह दिख रही है आपको? पता नहीं, अंदर से अच्छे से दिख नहीं रहा, पर हो सकता है यही तीनों दूसरी की। भाई बोट आ जाएगी तो हम उसमें चले अब जाएंगे। दूसरी बोट का वेट करते हैं कि कब तक आती है। ठीक है, तेरे को पता है कब तक आएगी? मुझे नहीं पता, बस जल्दी आ बेस्ट जाएगी। बस की तरह नहीं है कि 2-4 मिनट बाद सर्विस हो? आज हमारी पहली बार बोट छूट गई है, नहीं तो बस छूटती है, ट्रेन छूटती है। हाँ, बस बोट पहली बार छूटी है, हाँ, ये भी एक्सपीरियंस कर ये भी लिया। एक्सपीरियंस कर लिया हम लोग। ठीक है, कि लगता सेम ही है ना, हाँ, चाहे बोट छूटे ट्रेन छूटे। शिट, वही आता शिट। ओ शिट। ओ शिट। पर देखा जाए तो इनकी सर्विस बेस्ट बस से भी ज़्यादा तेज है ना। तो एक गई है, दूसरी दिख भी गई है ना। यस। मतलब फाइनली बच्चों में खुशी की लहर, एक गई वो दूसरी आ भी गई। वेरी गुड, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर छूटी है तो उसी टाइम दूसरी आ भी गई है। जरा इसमें कूद के बताओ तो कितना गहरा है। इसमें समुंदर है तो हिसाब लगा ले क्या होगा। भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या एनाकोंडा भी हो हो सकता सकता है। है? एनाकोंडा यहाँ छुप के बैठा हो, शार्क बैठी है छुप के उधर कहीं, पकाओ तो क्यों रिस्क लेना है। बैठते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी सर्विस बस वालों ट्रेन वालों से भी तेज है यार, है ना। यस। मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी ये बोट आ रही है। एक गई थी और 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही ये भी वापस आ गई है ना। दो आ गई, ये देखो, एक हमारी छूटी थी और दो आ गई। वाह, क्या सीन है। ये देखो, लोग अपनी बाइक साइकिल जो भी है, कार नहीं आ रही बस, बाकी बाइक स्कूटी वूटी वो भी सब आ सकती है। सब मुझे अंदर लग लेके आराम से मजे से रहा है बैठ के लेके जा भी रहे आ हैं। रहा, मुझे लग रहा है वो भी आ सकती है, मतलब लेके भी आ रहा है। अगर वो आएगी तो फिर ज्यादा तो नहीं देंगे, टैक्स लगेगा ना। मतलब कार अगर छूटी भी होगी तो वो तो तीसरा बाइक यहाँ पे भी ना दो दो जेटी है, मतलब कि एक लोकल है अच्छा जिसकी टिकट 5 रुपीज है, और एक जो दूसरी है जो एसएल वर्ल्ड के लिए जाती है उसकी 50 रुपीज है। तो अभी हमें ये नहीं पता हम किस वाली में बैठे हैं। नहीं, लेकिन जा सकता क्या होगा, 50 वाली ले लेंगे टिकट या फिर 5 वाली ले लेंगे। आगे वहाँ से कुछ दूसरी मिल जाएगी, ऐसा ना हो कि यहाँ से हम खुश हो रहे हैं और आगे से वहाँ मिले ही ना। चलो, मिल जाएगी तो अच्छा है। चलो देखते हैं कि भाई इसकी टिकट कितनी है फिलहाल ना, अभी हम कुछ गैस नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोकल वाली है या एसएल वर्ल्ड वाली है। ठीक है, ठीक है। गाइस फायदा हो गया। गाइस बताते हैं, भीड़ से निकल जाए फिर बताते हैं क्या फायदा हुआ, वरना कोई यहीं पकड़ लेगा, बोलेगा सालो जुर्माना भरो। मैंने सोचा फायदा हो गया, फायदा नहीं हुआ। कितना हुआ?
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विश्व उपासना पागोड़ा। इसको विश्व ने बोला विश्व विपासना पागोड़ा विश्व 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 पागोसना हिंदी इंग्लिश बोलो ग्लोबल ग्लोबल विपासना पागोड़ा वेलकम्स यू विश्व विपासना पागोड़ा। ठीक है तो एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ तक आने में काफी लग जाता है। ये एक राहत देता है कि आपको पीछे से किराया लगा के हो, यहाँ एंट्री फ्री है। लेकिन जैसे कि हम लोग दोनों आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग वगैरह में आ रहे हो तो आपको इजी पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका टाइमिंग है 9 बजे से लेके, एक महत्वपूर्ण बात है, बस आपको 9 बजे से 7 बजे तक एंट्री है यहाँ पे, उसके बाद से तो मत ही आना, अच्छा रहना, थोड़ा सा साइड में बचे देखने दो। ठीक है तो एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए हमको अंदर जाना ही पड़ेगा। ठीक है अब हमको कोई नहीं रोक सकता, तो अब अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ठीक है यहाँ पे वैसे जहाँ से हम लोग वो जहाँ से हम एंटर हुए हैं ना ग्रीक पे से जेटी पे से उतर के, बहुत शांति वाला। ये बात तो सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि मुंबई में रह के आपको एक पीसफुल एरिया दिखा है, ये बहुत अच्छा है, मतलब कि शांति, बहुत शांति है यहाँ। रास्ते पर जब आओगे मजा आ जाता है भाई साहब। तो चले अंदर अब, या तुझे चाय पीनी थी? वहाँ चाय पीनी तो थी, लेकिन देखते पहले अंदर जाते हैं, फिर तो पहले चाय पीते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो पहले चाय पी जाएगी, अंदर बाद में जाएंगे। ठीक है हम लोगों को पता था चाय, हमको पता था हमको धूप में निकलना, हम घस घस के सनस्क्रीन लगा लगा के दबा के अच्छे से आए कि काड़ो ना हो जाएंगे। काड़ो तो तू है। ठीक है काड़ो। तो वो पीछे एक शॉप दिख रहा है, कुछ शॉप दिख रही है, तो वहां से हम लोग चाय पीते हैं। ठीक है चले। असल में चेक करने के लिए हम लोगों ने एक ही कप लिया है कि कैसा है। मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। मतलब आप लोग भूखे नहीं मरोगे बिल्कुल भी, इस बात की टेंशन मत लेना। चाय एवरेज है, तू भी देख। एवरेज है, मतलब ये वाले तो बिल्कुल नहीं है, हर जगह ये वाले नहीं मिलेगी यार, है ना। ये बात तो है, ये वाले जैसे चाय ये व्लॉग बनाने आते हैं ना तो ऐसा हाल होता है, देखो मेरे हाथ में देखो क्या क्या चीज है, और ये बंदा सिर्फ एक फोन लेके घूम रहा है। हाँ तो भैया ऐसा ही होता है, क्या करें। चाय बता, चाय रिव्यू दे चाय की। ठीक है मतलब ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसी जगह में अगर आपको चाय मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए ठीक है। तब तक हम लोग चाय पिए, उसके बाद मतलब हम लोग वो जेट्टी से लेके यहाँ तक हम लोगों के 130 रुपीज लगे हैं टोटल अभी तक। हाँ तो मतलब देखा जाए तो ठीक है, मतलब है ना 130 और एंट्री फ्री। एंट्री फ्री, अगर आपको यहाँ पे आके एंट्री भी देनी पड़े तो वो थोड़ा दुखदाई हो सकता है, यहाँ पे एंट्री फ्री है ये अच्छी बात है। तो चाय पी खत्म कर जल्दी और चलें फिर। तुम तो नहीं पीनी? ना मैं नहीं पीऊँगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे उधर लिखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, यहाँ पे अंदर एटीएम भी है। अरे वहाँ पे, अरे वाह भाई लोग एटीएम भी है वहाँ पे उस साइड है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर आप लोगों को आराम से पैसे निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारे साथ एक चीज़ हो गई है कि इफ़ यू वांट टू मेक द व्लॉग्स तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। हम लोगों ने इतने सारे व्लॉग्स देखे थे, किसी भी ब्लॉगर ने ये नहीं बताया था हम लोगों को कि आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। सो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नॉर्मली सोच के हम लोग आए हैं, तो हमको नहीं इतना पता था, तो हम लोग थोड़े लेट ही निकले थे घर से। अब यहाँ आके पता चल रहा है कि ये इवन के जो हमको परमिशन दे रहा था वो भी बोल रहा था आप क्या एक्सप्लोर करोगे, पर ठीक है अभी हम जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करेंगे। सो लेट्स सी। मुंबई में इतनी खूबसूरत जगह भी है, अच्छा वो पता लग गया कि नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह तो है यही, कितनी पीसफुल है भैया। आपको सिर्फ ये जो पीछे जो घंटी बज रही है, घंटा बज रहा है जो, उसकी आवाज आएगी। हाँ। और दूसरी चिड़ियों की चू 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 वाली आवाज, और फालतू कोई गाड़ी का हॉर्न नहीं, कुछ भी नहीं। शहर से दूर शांति वाला इलाका, मज़ेदार है।
तो आई थिंक हमको भी वो करना चाहिए, है ना? करना चाहिए, हम आके कर लेंगे, पहले हम ऊपर एक्सप्लोर कर लें। हाँ चलो पहले ऊपर एक्सप्लोर कर लेते हैं और बाद में हम भी वो घंटा हो जाएंगे, ठीक है? बात गाइज यहाँ पे ये भी है कि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना आसपास आपको कुछ खाने के लिए तो ऐसा मिलेगा नहीं। बट जब अंदर आओगे आप तो यहाँ पे एक छोटा रेस्टोरेंट है, आपको मतलब खाने पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, जो भी खा सकते हो आप, मिल जाएगा आराम से, तो भूखे नहीं मरोगे, ठीक है? ये अच्छी बात सो मच भैया। तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं, काफी वहां पे सुकून भरा समय निकला हम लोगों का, सुकून शांति सब मिल गई वहां पे। तो अपना वहां पे क्या कहते हैं उसको, टिकट कितने की लगी थी? टिकट हम लोगों की 130 रुपीज। हम लोग लोकल उससे गए थे, लोकल ओ, बोट से, बोट वहां पे ना दो बोट्स थी, एक थी उनके, वो जो वहाँ पे चाय वाली जो थी वो बता रही थी कि एक वो कंपनी की थी ग्लोबल व्यापार पागोड़ा वालों की ये थी बोट, और दूसरी थी लोकल लोगों के लिए। तो हम लोगों को पता नहीं था, हमने एक बंदे से वहाँ पूछा तो उसने बोला कि ये वाली ले लो, तो हमने वो ट्रेन मतलब वो ले ली, हम जाके बैठ गए, फिर वहाँ से उतर के भी हमको जाना था। हाँ। और जो इसमें हमको 30 रुपीज पड़ा, और वो जो दूसरी वाली थी उसमें कुछ 50 रुपीज पर पर्सन था आने जाने का। हाँ, आने जाने का था। आने जाने का 50 रुपीज पर पर्सन था, तो 100 रुपीज वो समझ लो। लेकिन उसमें ऐसा था कि वो आपको जहाँ उतारेगी वहां से आपको चल के आना था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और ये ऐसा था आपको दूर उतारेगी वहां से आपको रिक्शा में आना था, रिक्शा में आना। सो एक्चुअली वो इतनी महंगी नहीं थी, बट द थिंग इज कि रिक्शा से वहां जाने का बहुत ज्यादा महंगा था, कि 100 रुपया एक्चुअली। वो लोग मीटर से नहीं चलते, तो उन्होंने सीधा सीधा रख रखा है कि 50 रुपए एक बंदे का।
नहीं 50 रुपए एक बंदे का नहीं, तुम अकेले जाओ तब भी 100, तब भी 100। अच्छा तब ये था, हाँ मुझे लगा एक बंदे का 50 है। नहीं तुम कैसे भी जाओ तो 100 रुपए। अच्छा तो ऐसा सीन था वहाँ पे। एक्चुअली उन्होंने बताया हमें कि क्या रीजन है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई गैरेज है ना कोई पेट्रोल पंप है, ऐसा बता रहे थे वो लोग, फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, मतलब उनका भी खाना पीना वही टूरिस्ट के ऊपर है, तो वो लोग इसलिए 1000 रुपीज आराम से कमा लेते, 1000 से ज्यादा कमा लेते। आपने देखा था उसने 1100-1132 कमा रखे थे, हम बैठे थे। उसके बाद भी और कितने लेके आए थे। तो मुंबई में काफी अच्छी जगह है वो, मतलब कि हिडन जैम है भाई, ऐसा समझ लो आप लोग। इतनी शांतिमय इलाका है वो, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं, शहर शहर से दूर, और अच्छा मजा आया वहाँ पे। मतलब इतनी भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे, है ना, भीड़ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी ब्लॉगर ने नहीं डाला था ये बात, किसी भी ब्लॉगर ने नहीं डाली होगी। थे हम लोगों ने देखा था, लेकिन किसी भी ब्लॉगर ने नहीं डाला था, वहाँ पे आपको वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। अगर उन लोगों का कहना है कि आप लोग, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा कुछ गलत भी डाल दिया है जो उन्हें नहीं डालना चाहिए, तो उन लोगों ने बंद कर दिया है वहाँ के ट्रस्ट वाले को। आप लोग ब्लॉग बना सकते हैं, आपको जाके परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आप लोगों को ट्रस्ट ऑफिस से। वो आप क्या ब्लॉग पे डालोगे, मतलब आपका ब्लॉग, आपका चैनल देखेगा वो, पहले वो आपका चैनल देखेंगे, उसके बाद आपको आसानी से वो परमिशन दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। बस ये है कि हमको तो पता ही नहीं था ये बात का, एक्चुअली हमारा 10-15 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो गया। किसी भी ब्लॉगर ने, किसी ने भी नहीं बताया था, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो कहीं आप लोग ऐसे भटक ना जाओ, अगर आप लोग स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हो तो आप लोग वहाँ से पहले परमिशन लो, सब कुछ पास मिल जाएगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा, वहाँ मजे से वीडियो बनाओ। तो आप लोग जाओ अंधेरी से बोरेवली, बोरेवली से ऑटो लो, लेकिन शेयरिंग मत लो, शेयरिंग मत लो, यस आप लोग मीटर से जाओ, मीटर से जाओ, हाँ वहाँ से जेटी लो, वही पड़ जाता है। अगर वो सी हम लोग 1% 50 नहीं, थोड़ा महंगा पड़ गया हमको, कोई बात नहीं। तो आप लोग कैसे भी जाओ पर पहुंच जाओ, अच्छी जगह है, देख के जरूर आना। अगर आप मुंबई में, अगर वाली टिकट ले लो 25 वाली दोनों साइड की, 50 वाली बेटर रहेगी। सबसे अच्छी बात कि आप लोगों को उसके अंदर जाने की कोई एंट्री नहीं है, फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और इतना फ्री का सुकून दे रहे हैं। यस 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 यस। तो हम लोगों को काफी मजा आया, हमारा ये डे वन का चैलेंज था, यहाँ पे खत्म करते हैं हम, कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आप ऐसी जगह जाना चाहते हो या कोई आपका दोस्त जाना चाहता है तो उसको ये शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।